नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा, महंत राजू दास। सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी अयोध्या ने कहा, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और राजू दास के द्वारा लखनऊ में एक आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद के मामले पर रामनगरी में सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन संस्कृति संत और भगवा रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं, ये निंदनीय है, धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मेरे पहुंचते ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, भगवा आतंकी आ गया। स्वामी प्रसाद ने कहा, सनातनी समाज में विष घोलने का काम करते हैं, पकड़ो और मारो, राजू दास की हत्या कर दो। इस दौरान राजू दास ने बड़ा बयान दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे आतंकी फंडिंग काम कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि तलवार और त्रिशूल को लेकर स्वामी प्रसाद पर हमला किया गया है, वीडियो है वायरल, साफ दिख रहा है कौन किससे कर अभद्रता रहा है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आज एफआईआर दर्ज कराऊंगा और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर निवेदन करेंगे। रामचरितमानस जलाने के बाद मंच से लगातार स्वामी गाली दे रहा है, मुख्यमंत्री से मांग करेंगे, ऐसे व्यक्ति को खुलेआम बाहर घूमने देना उचित नहीं है, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राजू दास की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये 100 करोड़ हिंदू जनमानस की लड़ाई है। दी धमकी, सनातन प्रेमी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं छोड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुझे जान से मारने का प्रयास किया है, गृह मंत्री से मांग करेंगे कि क्या सनातन संस्कृति का ऐसे ही मजाक बनता रहेगा, क्यों नहीं होती ऐसे लोगों पर कार्यवाही। अयोध्या संवाददाता विसमिलहा खान की रिपोर्ट। है जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म संस्कृति पे हमला कर रहे हैं, साधु संतों को गाली दे रहे हैं, रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं, रामचरितमानस जलाने की बार बार धमकी दे रहे हैं, रामचरितमानस को बैन करने की धमकी दे रहे हैं, ये दुखद है, निंदनीय है। और मैं 100 करोड़ सनातन प्रेमी के तरफ से बैठकर ये बात को रख रहा हूँ, जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म को अपमानित करने का कार्य करें, एक तरफ तो संविधान की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, सामंजस्य की बात करते हैं, कुरीति को खत्म करने की बात करते हैं, क्या यही उनका भाव है, क्या उनका ये अभिप्राय है कि रामचरितमानस को गाली देना, सनातन धर्म संस्कृति को गाली देना, साधु संतों को गाली देना। मैं जैसे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा हूं, वैसे उसने कहा कि भगवा आतंकवादी आ गया, और उसने कहा कि भगवान राम को नहीं मानता, भगवान कृष्ण को नहीं मानता, मैं सनातन को नहीं मानता, ये सनातनी जहर फैलाते हैं, विष घोलते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, पकड़ो मारो, इसने मेरे ऊपर मारने के लिए 21 लाख का इनाम रखा है, यही राजू दास है, इसको पकड़ो, इसकी हत्या कर देते हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। इसके नाते हम स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर आरोप लगाते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे आतंकी फंडिंग है और वो दंगा कराना चाहता है। हिंदू एफआईआर दर्ज कराएंगे क्योंकि उन्होंने गलत जो है एप्लीकेशन दिया है। उन्होंने कहा कि तलवार और त्रिशूल लेकर हमने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला किए, आप प्रत्यक्ष प्रमाण है, और हम आज उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। महाराज, क्या मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करके कुछ वार्ता की शिकायत होगी? नहीं, मुख्यमंत्री जी से मिलकर निवेदन यह करेंगे कि जिस प्रकार से ये तो होता है कि हम किसी मजहब का अपमान नहीं करेंगे, किसी संस्कृति का अपमान नहीं करेंगे, भारत देश है, यह देश संविधान से चलता है, स्वामी प्रसाद मौर्य के पागलपन से यह देश नहीं चलेगा, स्वामी प्रसाद मौर्य के मनगन कहानी से यह देश नहीं चलेगा, यह देश संविधान से चलेगा, यह सनातन संस्कृति भगवान राम के जो है आस्था में बसती है, भगवान राम हमारे आदर्श हैं, भगवान राम हिंदुस्तान के कण कण में उनकी व्यापकता है, रामचरितमानस जन जन के भाव में बसा हुआ है, हर घर में रामचरितमानस है, ये दुखद है, निंदनीय है, रामचरितमानस जलाए जाना, उसके बाद रोज मंच से गाली देना कि हम रामचरितमानस को जलवाएंगे भी, रामचरितमानस को प्रतिबंधित भी करेंगे, इस चीज को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि ऐसे जहरीले नाक को बाहर घूमने देना ये अच्छी बात नहीं है, इसके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। और ये कोई राजू दास की लड़ाई नहीं है, राजू दास सांसद विधायक का टिकट मांगने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य से नहीं लड़ रहे हैं, राजू दास जिसने रामचरितमानस को अपमानित किया है, जिसने साधु संतों को गाली दिया है, जिसने कहा है कि रामचरितमानस